राज आंदोलनकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं 25 साल बाद भी दोषियों पर कार्रवाई न होने से नाराज आंदोलनकारियों ने इसे धिक्कार दिवस के रूप में मनाया है। इस आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि बीते 25 सालों से न्याय की मांग आंदोलनकारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी राज आंदोलनकारियों को न्याय नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से इसे धिक्कार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अलग राज मांग को लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। इसके लिए 1 अक्टूबर साल 1994 की रात को दिल्ली की तरफ कूच कर रहे सैकड़ों आंदोलनकारियों को तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में प्रशासन ने रामपुर तिराहा पर रोक लिया था, जिसके बाद आंदोलनकारियों पर बर्बरता की गई थी। आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी। इस गोलीकांड में 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी, जबकि 15 से ज्यादा घायल हुए थे। आज तमाम प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जो मुजफ्फरनगर गोलीकांड के शहीद हुए, और जो मातृशक्ति हमारी जो अपमानित हुई थी, आज उन सबको जो है हम लोग न्याय की मांग को लेकर आज धिक्कार दिवस भी मना रहे हैं। तमाम जिस प्रकार से 25 सालों में जो दंश देखने को मिला उन शहीद परिवारों को आज तक न्याय की गुहार है। हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ है वो न्याय विभाग, कहाँ है वो CBI, आखिर कहाँ है वो सरकारें जो उन शहीदों को न्याय नहीं दे पाई। 25 साल के अंदर यदि किसी के जीवन में कोई खुशी आती है तो उसको रजत जयंती के रूप में सब लोग बिल्कुल हर्ष से मनाते हैं, लेकिन आज बड़े दुख के साथ हम उसी पवित्र शहीद स्मारक के अंदर उनको जो है धिक्कार दिवस के रूप में हम कह रहे हैं। इन 19 सालों में हमने 9-10 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिए, किसी भी प्रदेश के मुखिया ने उस पर जो है प्रतिक्रिया नहीं देने की कोशिश करी कि कैसे उनको जो है न्याय दिलाया जा सके। महात्मा गांधी